नमस्कार। इस बीच हमने कई ऐसे प्रसंग लिए हैं कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर निम्न वर्ण में पैदे हुए बालक, निम्न वर्ण में पैदा हुए संतान किस तरह से अपने परिश्रम से, अपनी तपस्या से, अपने त्याग से, अपनी सत्यवादिता से, अपनी निडरता से, अपनी निष्ठा से ब्राह्मण वर्ण को प्राप्त हुई है और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वर्ण को प्राप्त हुई है। ऋषियों की संज्ञा पाई है, संतों की संज्ञा पाई है, महात्माओं की संज्ञा पाई है। ऐसा ही एक उदाहरण है जो छांदोग उपनिषद में प्राप्त होता है। 18 उपनिषद जो प्रसिद्ध हैं, जिनका आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, उसमें छांदोग उपनिषद एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है। उसमें एक प्रसंग आता है, वो है सत्यकाम का। सत्यकाम जाबाला नाम की महिला के पुत्र थे और जब ये बेटा सत्यकाम थोड़ा बड़ा हुआ तो इसने माँ से गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इच्छा प्रकट की। बोली का बेटा गुरुकुल में जाओगे तो वहाँ तो गोत्र पूछा जाएगा और गोत्र पिता से संबद्ध होता है और मैं तो बेटा घरों घरों में काम करती रही जीविका को लेकर के, तो मुझे पता ही नहीं कि तुम किसके पुत्र हो। तो बोले का माँ क्या ये चीज़ बाधा बनेगी? बोले का बेटा अब चूँकि परंपरा तो यही है कि गुरुकुल में जाने पर गोत्र का नाम देना पड़ता, उपनयन संस्कार होता है, प्रवेश की यही शर्त है। लेकिन बेटे सत्यकाम के मन में ये दृढ़ इच्छा थी कि मैं भी ऋषि क्यों नहीं बन सकता, मैं भी आश्रम में जाके विद्या क्यों नहीं प्राप्त कर सकता। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो पहुंच गए गौतम ऋषि के पास और गौतम ऋषि से उन्होंने इच्छा प्रकट की कि गुरुदेव मैं आपके आश्रम में प्रवेश चाहता हूँ। बोले का बेटा तुम किस वर्ण के हो? बोले का गुरुदेव मुझे नहीं पता। बोले का तुम्हारे पिता का नाम क्या है? बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? बोले का मैं अपनी माँ को जानता हूँ, मेरी माँ का नाम जाबाला है और मेरा नाम सत्यकाम है, या मैं जाबाला का पुत्र हूँ और मेरे पिता कौन है? मेरे माँ से पूछा था तो माँ ने मुझे ये बात बताई है कि बेटा मुझे नहीं पता कि तू किसकी संतान है, मैं तो गरीबी में घरों में जाकर के विभिन्न घरों में सेठों के यहाँ धनपतियों के यहाँ काम करती थी तो मुझे नहीं पता। जो गौतम ऋषि ने कहा कि बालक सत्य वचन बोल रहा है और सत्य ही ईश्वर का नाम है, कोई लाग लगाव नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई निपट नहीं। उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया और बोले का बेटा मैं अपना गोत्र तुमको प्रदान करता हूँ। और उन्होंने उनको बालक जो सत्यकाम है उसको अपना गोत्र यानी गौतम गोत्र प्रदान किया और शिक्षा प्रदान की। विभिन्न उपनिषदों में सत्यकाम द्वारा लिखी गई ऋचाएँ आज भी प्राप्त होती हैं। एक और इसी संदर्भ में बात कह दूँ, इसको तो मैं यहीं समाप्त करना चाहता था, लेकिन जो लोग इस बात का आज भी लगातार भ्रम फैलाते हैं कि साहब प्राचीन समय में वर्ण व्यवस्था थी और बड़ा भेदभाव हुआ और जन्म के आधार पर फिर वर्ण बने, जातियाँ बनी और लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था और शीशा पिघला के डाल दिया जाता था, कान में अछूत माना जाता था, कुछ वर्णों को निम्न कार्य जबरदस्ती कराए जाते थे, आदि आदि तरह तरह के जो भेद प्रभेद पैदा हुए। और कुछ ग्रंथों में भी इस तरह की बातें गुलामी के समय में क्रीतदास जो खरीदे हुए लोग होते हैं, जो पैसे के कारण कुछ भी लिख जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, आज भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिनको आप पैसा दीजिए झूठी गवाही देने को, अदालत के समय शपथ लेकर के झूठी गवाही देने का है उनको, लेस मात्र भी कभी ये नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं और मेरी इस झूठी गवाही से किसी निर्दोष फंस जाएगा, उसको सजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, झूठे मुकदमे भी लोग लिखाते हैं। तो इस तरह के लोग तो हमेशा समाज में पाए जाते हैं, बाद में उनकी अधोगति होती है, लेकिन फिलहाल तो वो अपने साजिश में सफल होकर के बड़े गौरव से सीना तानते हैं। तो मैं ये कहने जा रहा था कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में किसी के प्रति भेदभाव कैसे नहीं था, क्योंकि हम सब लोग ऋषियों के संतान हैं। हमारी सनातन परंपरा ये कहती है, हमारा हिंदू धर्म ये कहता है और आज भी जो लोग
थोड़े भी समझदार हैं, जो बुजुर्ग हैं उनसे अगर पूछेंगे तो उनके जो गोत्र हैं वो ऋषियों के गोत्र मिलेंगे। जो सप्तऋषि हैं हमारे, कोई गौतम गोत्र का होगा, कोई शांडिल गोत्र का होगा, कोई कश्यप का होगा, कोई काश्यप का होगा, कोई वशिष्ठ गोत्र का होगा, कोई भार्गववंशी होगा, यानी सबके गोत्र आपको ऋषियों को मिलेंगे। तो सभी ब्राह्मण हुए, और ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। पहले उनके मानस पुत्र हुए, मरीच भृगु आदि पुलस्त, और फिर उनसे आगे की संतानें हुई, वंशावली चली। तो वैसे भी सबके सब लोग ब्राह्मण हुए। तो जब ये बात आगे बढ़ी तो जो कुछ धूर्त प्रवृत्ति के लोग हैं, जो चाहते नहीं कि कभी समाज में समरसता हो, उन्होंने ये तर्क दिया, और कदाचित इस प्रसंग को लेकर के कि साहब ऐसा नहीं है, गोत्र इसलिए सबका ऋषियों का है क्योंकि जो अछूत हैं उनका तो गोत्र ही नहीं होता था। तो जिस मालिक के यहाँ वो काम करते थे, जिस मालिक के यहाँ वो सेवा करते थे, उसका गोत्र वो धारण कर लेते थे, इसलिए सबके गोत्र ऋषियों के मिल रहे हैं। लेकिन फिर हमारी सृष्टि परंपरा को कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि ये तो सनातन में ही है ना कि हम ब्रह्मा की सृष्टि है। हम तो नहीं मानते कि बंदर हमारे बाप थे, बंदर बाप हो भी नहीं सकते। होते तो आज भी कोई बंदर दिख रहा होता, बाप बनता किसी का, घूम रहा होता कुछ टूटी फूटी भाषा बोलते हुए। हाँ, मनुष्य रूप में बंदर बहुत दिख रहे हैं, जो तरह तरह की कलाबाजियाँ करते हैं सोशल मीडिया में, जो है लोगों को चिढ़ाते हैं, मुँह चिढ़ाते हैं, चेहरे बनाते हैं, चित्रकारी करते हैं, विचित्र हरकतें करते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको सत्यकाम जावाली के बारे में बताया, इस कथा को लेकर के कुछ ऐसे धूर्त लोगों ने इस तरह का प्रचारित करना शुरू कर दिया कि जो गोत्र की समानता जो सब में मिल रही है उसका कारण ये है, अन्यथा जो सामान्य वर्ग की जातियाँ सवर्ण हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, सवर्ण हालांकि संवैधानिक शब्द नहीं है, जनरल क्लास जैसे कहते हैं, संविधान ने हमको क्लास में बांट रखा है, बात एक ही है, वर्ग हो या कक्षा हो, क्लास हो, श्रेणी हो, तो समाज ने बांट रखा है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, फिर इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि करके बांट रखा उन्होंने, और अब ये संवैधान सम्मत भी है चीज़ें। लेकिन जो हमारी प्राचीन परंपरा थी उसमें ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। अब सबकी कथाएं तो मिलेंगी नहीं, सारे ब्राह्मणों की भी तो कथाएं नहीं हैं। ऋषि मुनियों में आप वो तो आप देखते होंगे कि जब मैंने एक दिन बताया था कि साहब वो किस तरह से सूत जी हुए, जो नैमिषारण्य में आपके सीतापुर में 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं बैठ करके, तो 88,000 ऋषि मुनि थे। सब 88,000 का तो नहीं कहीं मिलता कि उन्होंने कोई बड़े महान ये हो गए हो। तो इसी प्रकार से ये जैसे सूत जी हैं, जो ये जावाली हैं, एक दिन मैंने सत्यकाम जावाली हैं, और जो ऐत्रेय हैं, इस तरह की कथाएं हमारे यहाँ भरी पड़ी हैं। यानी जो निम्न वर्ण से भी आकर के जिसने संकल्प लिया, अच्छे रास्ते पे चला, विद्यार्जन किया, रुचि दिखाई उस समय की प्रचलित शिक्षा प्रणाली से, क्योंकि उस समय नौकरियों का तो कोई चक्कर था नहीं, और हमारे सनातनियों की भाषा संस्कृत थी, तो आपको अगर शिक्षा प्राप्त करनी है तो आप संस्कृत में शिक्षा प्राप्त करेंगे, संस्कृत भाषा में शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जो है जिन्होंने भी ये रुचि दिखाई सबको समान रूप से प्रवेश का अधिकार था, यज्ञोपवीत का भी अधिकार था, और किसी के लिए कोई भी उपलब्धि अप्राप्य नहीं थी, उसकी कोई योग्यता नहीं थी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।